राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को मिलने वाली 5 साल की छूट को खत्म कर दिया। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने देर शाम नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने सड़क से सदन तक ओबीसी के हक की लड़ाई लड़ने की बात कही है। बता दें, राजस्थान पुलिस सेवा नियम 2024 के संबंध में कार्मिक विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी दिनेश कुमार शर्मा की ओर से जारी आदेश में लिखा गया कि पुलिस सर्विस में ओबीसी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की मिलने वाली छूट के आदेश को 16 अप्रैल 2021 से निरस्त कर दिया। यानी अब पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को मिलने वाले 5% आरक्षण की छूट अब नहीं मिलेगी। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से उन्होंने सरकारी आदेश की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को आयु में मिलने वाले 5 वर्ष की शिथिलता के नियम को खत्म कर सरकार ने एक बार फिर अपनी राजशाही सोच को दर्शाया है। अब हम भी चुप क्यों रहें? नहीं नहीं नहीं, सरकार के हर अन्याय के विरोध हम सड़क से लेकर सदन तक संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे। राजस्थान पुलिस सेवा नियम 2024 के संबंध में कार्मिक विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी दिनेश कुमार शर्मा द्वारा जारी आदेश में लिखा कि पुलिस सर्विस में ओबीसी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की मिलने वाली छूट के आदेश को 16 अप्रैल से निरस्त कर दिया। इस पर राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा ने लिखा कि ओबीसी वर्ग के छात्र के साथ कुठारघात है। सीएम से निवेदन है कि छात्र हित में इस आदेश को रद्द किया जाए।